वेल तो जी, ऐसा के हमें 90s से स्टार्ट हुए थे हमें एंटरटेन करना, हमें अच्छी अच्छी मूवीज़ देना, हमें अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन बताना। 90s के एरा से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, अपना करियर स्टार्ट किया, एंड आज तक वो हमें इसी तरह से बताते आ रहे हैं, दिखाते आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ हमें एंजॉय करवाते आ रहे हैं। तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली होने वाली है जी 90s लवर के लिए। अगर आप लोग भी 90s के लवर हैं, आप लोगों को 90s के एरा से आई हुई कुछ मूवीज़ पसंद हैं, तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। और अगर आप स्पेशली SRK के भी फ़ैन हैं, शाहरुख खान के फ़ैन हैं, तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए। आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी बताने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी 1995 में रिलीज़ हो चुकी राम जाने के बारे में, जो कि SRK की एक मोस्ट पॉपुलर मूवी भी कहलाई जाती है। DDLJ, राम जाने, ये सारी मूवीज आप लोगों को उनकी मोस्ट पॉपुलर मूवीज में काउंट की जाती हैं। तो यहाँ पर हम राम जाने के बारे में डिस्कशन करेंगे, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किया जाएंगे, उसी के साथ आप लोगों को और भी डिटेल्स दी जाएंगी, इस मूवी के रिलेटेड रिव्यू बताया जाएगा, फैक्ट्स दिखाए जाएंगे इस मूवी के, और भी काफी कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड बताने की कोशिश की जाएगी। तो हाँ, आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो अंदर, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो यहां पर इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर मुझसे पूछे, वो सारे के सारे यहां पर क्लियर किए जाएंगे। जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहां पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई, एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं इस मूवी की, कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की है, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे IMDb रेटिंग की, कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें, कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें तो 5.4 आउट ऑफ 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग है, जो कि हाँ एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी IMDb रेटिंग है, एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को गूगल के यूजर्स की जानिब से ये जो परसेंटेज देखने को मिलती है वो कितनी है। तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर 63% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है, एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर SRK देखने को मिलेंगे, मीन्स शाहरुख खान देखने को मिल जाएंगे, जूही चावला देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को विवेक मिश्रान, पंकज कपूर, पुनीत इसार, तीनू आनंद, देवेन वर्मा, गुलशन ग्रोवर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर इस मूवी में 4 चांद लगाए हैं, एंड आप लोगों को ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है, एंड आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी जो है वो देखनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाने देती। आप लोग इसे एक चांस दीजिएगा, और लिटरली ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी की गई है। बाकी उसी के साथ हम आगे बड़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, और उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जेनर क्या देखने को मिलता है, इन चीज़ों पर हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जेनर की, इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या,
एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को जो है वो एक्शन के साथ थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा। उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो हाँ इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा लेंदी तो नहीं रखी गई, बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इस मूवी की। यहाँ पर आप लोगों को जो है वो तकरीबन आप लोगों को 2 घंटे के राउंड अबाउट या उससे भी कम इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। एंड इस टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो जाया नहीं जाएगा। आप लोग डेफिनेटली एक चांस दीजिएगा क्योंकि आप लोगों का चांस जाया नहीं जाने देगा। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलती है एंड यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को किसने संभाला ये बता देता हूँ। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर राजीव मेहरा ने संभाला एंड ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जो कि नेटफ्लिक्स पर अभी अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे। वेल तो जी ऐसा के हमें 90s से स्टार्ट हुए थे हमें एंटरटेन करना, हमें अच्छी अच्छी मूवीज़ देना, हमें अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन बताना। 90s के एरा से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, अपना करियर स्टार्ट किया एंड आज तक वो हमें इसी तरह से बताते आ रहे हैं, दिखाते आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ हमें एंजॉय करवाते आ रहे हैं। तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली होने वाली है जी 90s लवर के लिए। अगर आप लोग भी 90s के लवर हैं, आप लोगों को 90s के एरा से आई हुई कुछ मूवीज़ पसंद हैं, तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। और अगर आप स्पेशली SRK के भी फ़ैन हैं, शाहरुख खान के फ़ैन हैं, तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए। आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी बताने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी 1995 में रिलीज़ हो चुकी राम जाने के बारे में, जो कि SRK की एक मोस्ट पॉपुलर मूवी भी कहलाई जाती है। DDLJ, राम जाने, ये सारी मूवीज आप लोगों को उनकी मोस्ट पॉपुलर मूवीज में काउंट की जाती हैं। तो यहाँ पर हम राम जाने के बारे में डिस्कशन करेंगे, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किया जाएंगे। उसी के साथ आप लोगों को और भी डिटेल्स दी जाएंगी, इस मूवी के रिलेटेड रिव्यू बताया जाएगा, फैक्ट्स दिखाए जाएंगे इस मूवी के, और भी काफी कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड बताने की कोशिश की जाएगी। तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो अंदर क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो यहां पर इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर मुझसे पूछे वो सारे के सारे यहां पर क्लियर किए जाएंगे। जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहां पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस मूवी की कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की है, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे IMDb रेटिंग की कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें तो 5.4 आउट ऑफ 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग है, जो कि हाँ एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी IMDb रेटिंग है एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को गूगल के यूजर्स की जानिब से ये जो परसेंटेज देखने को मिलती है वो कितनी है। तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर 63% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा।
उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर SRK देखने को मिलेंगे, मीन्स शाहरुख खान देखने को मिल जाएंगे, जूही चावला देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को विवेक मिश्रान, पंकज कपूर, पुनीत इसार, तीनू आनंद, देवेन वर्मा, गुलशन ग्रोवर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर इस मूवी में 4 चांद लगाए हैं एंड आप लोगों को ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है। एंड आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी जो है वो देखनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाने देती, आप लोग इसे एक चांस दीजिएगा और लिटरली ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी की गई है। बाकी उसी के साथ हम आगे बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, और उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जेनर क्या देखने को मिलता है, इन चीजों पर हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जेनर की, इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को जो है वो एक्शन के साथ थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो जाया नहीं जाएगा। उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो हाँ इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा लेंदी तो नहीं रखी गई, बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इस मूवी की। यहाँ पर आप लोगों को जो है वो तकरीबन आप लोगों को 2 घंटे के राउंड अबाउट या उससे भी कम इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। एंड इस टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो जाया नहीं जाएगा, आप लोग डेफिनेटली एक चांस दीजिएगा क्योंकि आप लोगों का चांस जाया नहीं जाने देगा। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलती है एंड यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्शन को किसने संभाला ये बता देता हूँ। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर राजीव मेहरा ने संभाला एंड ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है, जो कि नेटफ्लिक्स पर अभी अवेलेबल कर दी गई है, आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे। वेल तो जी ऐसा के हमें 90s से स्टार्ट हुए थे हमें एंटरटेन करना, हमें अच्छी अच्छी मूवीज़ देना, हमें अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन बताना। 90s के एरा से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, अपना करियर स्टार्ट किया एंड आज तक वो हमें इसी तरह से बताते आ रहे हैं, दिखाते आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ हमें एंजॉय करवाते आ रहे हैं। तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली होने वाली है जी 90s लवर के लिए। अगर आप लोग भी 90s के लवर हैं, आप लोगों को 90s के एरा से आई हुई कुछ मूवीज़ पसंद हैं, तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। और अगर आप स्पेशली SRK के भी फ़ैन हैं, शाहरुख खान के फ़ैन हैं, तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए। आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी बताने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी 1995 में रिलीज़ हो चुकी राम जाने के बारे में, जो कि SRK की एक मोस्ट पॉपुलर मूवी भी कहलाई जाती है। DDLJ, राम जाने, ये सारी मूवीज़ आप लोगों को उनकी मोस्ट पॉपुलर मूवीज़ में काउंट की जाती हैं। तो यहाँ पर हम राम जाने के बारे में डिस्कशन करेंगे, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किया जाएंगे, उसी के साथ आप लोगों को और भी डिटेल्स दी जाएंगी, इस मूवी के रिलेटेड रिव्यू बताया जाएगा, फैक्ट्स दिखाए जाएंगे इस मूवी के, और भी काफ़ी कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड बताने की कोशिश की जाएगी। तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो यहां पर इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर मुझसे पूछे वो सारे के सारे यहां पर क्लियर किए जाएंगे। जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहां पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप
आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस मूवी की, कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की है, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आईएमडीबी रेटिंग की, कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज ही और डिसेंट सी इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की जो है वो आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज ही और डिसेंट सी इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो 5.4 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है, जो कि हाँ एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी आईएमडीबी रेटिंग है। एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को गूगल के यूजर्स की जानिब से ये जो परसेंटेज देखने को मिलती है वो कितनी है। तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर 63% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर SRK देखने को मिलेंगे, मीन्स शाहरुख खान देखने को मिल जाएंगे, जूही चावला देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ आप लोगों को विवेक मिश्रान, पंकज कपूर, पुनीत इसार, तीनू आनंद, देवेन वर्मा, गुलशन ग्रोवर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर इस मूवी में 4 चांद लगाए हैं एंड आप लोगों को ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है। एंड आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी जो है वो देखनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाने देती। आप लोग इसे एक चांस दीजिएगा और लिटरली ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी की गई है। बाकी उसी के साथ हम आगे बड़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। और उसी के साथ आप लोगों को यहां पर जो है वो सारी की सारी जेनर क्या देखने को मिलता है, इन चीजों पर हम यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जेनर की, इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को जो है वो एक्शन के साथ देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर प्रेजेंट किया गया है। एंड आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो जाया नहीं जाएगा। उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो हाँ इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा लेंथी तो नहीं रखी गई, बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इस मूवी की। यहाँ पर आप लोगों को जो है वो तकरीबन आप लोगों को 2 घंटे के राउंड अबाउट या उससे भी कम इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। एंड इस टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो जाया नहीं जाएगा। आप लोग डेफिनेटली एक चांस दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का चांस जाया नहीं जाने देगा। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलती है एंड यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को किसने संभाला ये बता देता हूँ। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर राजीव मेहरा ने संभाला एंड ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है, जो कि नेटफ्लिक्स पर अभी अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे। वेल तो जी ऐसा कि हमें 90s से स्टार्ट हुए थे हमें एंटरटेन करना, हमें अच्छी अच्छी मूवीज़ देना, हमें अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन बताना। 90s के एरा से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, अपना करियर स्टार्ट किया एंड आज तक वो हमें इसी तरह से बताते आ रहे हैं, दिखाते आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ हमें एंजॉय करवाते आ रहे हैं। तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली होने वाली है जी 90s लवर के लिए। अगर आप लोग भी 90s के लवर हैं, आप लोगों को 90s के एरा से आई हुई कुछ मूवीज़ पसंद हैं, तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। और अगर आप स्पेशली SRK
के भी फैन है, शाहरुख खान के फैन है, तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए। आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी बताने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी 1995 में रिलीज हो चुकी राम जाने के बारे में, जो कि SRK की एक मोस्ट पॉपुलर मूवी भी कहलाई जाती है। DDLJ, राम जाने, ये सारी मूवीज आप लोगों को उनकी मोस्ट पॉपुलर मूवीज में काउंट की जाती हैं। तो यहाँ पर हम राम जाने के बारे में डिस्कशन करेंगे, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किया जाएंगे, उसी के साथ आप लोगों को और भी डिटेल्स दी जाएंगी, इस मूवी के रिलेटेड रिव्यू बताया जाएगा, फैक्ट्स दिखाए जाएंगे इस मूवी के, और भी काफ़ी कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड बताने की कोशिश की जाएगी। तो हाँ, आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो अंदर क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो यहां पर इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर मुझसे पूछे वो सारे के सारे यहां पर क्लियर किए जाएंगे। जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहां पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई, एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस मूवी की कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की है, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे IMDb रेटिंग की कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज ही और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज ही और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें तो 5.4 आउट ऑफ 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग है, जो कि हाँ एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी IMDb रेटिंग है, एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को गूगल के यूजर्स की जानिब से ये जो परसेंटेज देखने को मिलती है वो कितनी है। तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर 63% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है, एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर SRK देखने को मिलेंगे, मीन्स शाहरुख खान देखने को मिल जाएंगे, जूही चावला देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को विवेक मिश्रान, पंकज कपूर, पुनीत इसार, तीनू आनंद, देवेन वर्मा, गुलशन ग्रोवर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर इस मूवी में 4 चांद लगाए हैं एंड आप लोगों को ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है। एंड आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी जो है वो देखनी चाहिए क्योंकि आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाने देती। आप लोग इसे एक चांस दीजिएगा और लिटरली ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी की गई है। बाकी उसी के साथ हम आगे बड़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, और उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जेनर क्या देखने को मिलता है, इन चीज़ों पर हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जेनर की, इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को जो है वो एक्शन के साथ थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, एंड आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा।
उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो हाँ इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा लेंदी तो नहीं रखी गई, बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इस मूवी की। यहाँ पर आप लोगों को जो है वो तकरीबन आप लोगों को 2 घंटे के राउंड अबाउट या उससे भी कम इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। एंड इस टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो जाया नहीं जाएगा। आप लोग डेफिनेटली एक चांस दीजिएगा क्योंकि आप लोगों का चांस जाया नहीं जाने देगा। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलती है एंड यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को किसने संभाला ये बता देता हूँ। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर राजीव मेहरा ने संभाला एंड ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जो कि नेटफ्लिक्स पर अभी अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे। वेल तो जी ऐसा के हमें 90s से स्टार्ट हुए थे हमें एंटरटेन करना, हमें अच्छी अच्छी मूवीज़ देना, हमें अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन बताना। 90s के एरा से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, अपना करियर स्टार्ट किया एंड आज तक वो हमें इसी तरह से बताते आ रहे हैं, दिखाते आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ हमें इन्जॉय करवाते आ रहे हैं। तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली होने वाली है जी 90s लवर के लिए। अगर आप लोग भी 90s के लवर हैं, आप लोगों को 90s के एरा से आई हुई कुछ मूवीज़ पसंद हैं, तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। और अगर आप स्पेशली SRK के भी फ़ैन हैं, शाहरुख खान के फ़ैन हैं, तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए। आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी बताने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी 1995 में रिलीज हो चुकी राम जाने के बारे में, जो कि SRK की एक मोस्ट पॉपुलर मूवी भी कहलाई जाती है। DDLJ, राम जाने, ये सारी मूवीज आप लोगों को उनकी मोस्ट पॉपुलर मूवीज में काउंट की जाती हैं। तो यहाँ पर हम राम जाने के बारे में डिस्कशन करेंगे, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किए जाएंगे। उसी के साथ आप लोगों को और भी डिटेल्स दी जाएंगी, इस मूवी के रिलेटेड रिव्यू बताया जाएगा, फैक्ट्स दिखाए जाएंगे इस मूवी के, और भी काफी कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड बताने की कोशिश की जाएगी। तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो यहां पर इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोगों ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर मुझसे पूछे वो सारे के सारे यहां पर क्लियर किए जाएंगे। जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहां पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस मूवी की कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की है, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे IMDb रेटिंग की, कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें तो 5.4 out of 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग है, जो कि हाँ एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी IMDb रेटिंग है एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को गूगल के यूजर्स की जानिब से ये जो परसेंटेज देखने को मिलती है वो कितनी है। तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर 63% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा।
उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर SRK देखने को मिलेंगे, मीन्स शाहरुख खान देखने को मिल जाएंगे, जूही चावला देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को विवेक मिश्रान, पंकज कपूर, पुनीत इसार, तीनू आनंद, देवेन वर्मा, गुलशन ग्रोवर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर इस मूवी में 4 चांद लगाए हैं एंड आप लोगों को ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है। एंड आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी जो है वो देखनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाने देती, आप लोग इसे एक चांस दीजिएगा और लिटरली ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी की गई है। बाकी उसी के साथ हम आगे बड़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, और उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जनर क्या देखने को मिलता है, इन चीज़ों पर हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जनर की, इस मूवी का जनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को जो है वो एक्शन के साथ थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो जाया नहीं जाएगा। उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो हाँ इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा लेंदी तो नहीं रखी गई, बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इस मूवी की। यहाँ पर आप लोगों को जो है वो तकरीबन आप लोगों को 2 घंटे के राउंड अबाउट या उससे भी कम इस मूवी टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। एंड इस टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो जाया नहीं जाएगा। आप लोग डेफिनेटली एक चांस दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का चांस जाया नहीं जाने देगा। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलती है एंड यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को किसने संभाला ये बता देता हूँ। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर राजीव मेहरा ने संभाला एंड ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है, जो कि नेटफ्लिक्स पर अभी अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे। वेल तो जी, ऐसा कि हमें 90s से स्टार्ट हुए थे हमें एंटरटेन करना, हमें अच्छी अच्छी मूवीज़ देना, हमें अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन बताना। 90s के एरा से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, अपना करियर स्टार्ट किया एंड आज तक वो हमें इसी तरह से बताते आ रहे हैं, दिखाते आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ हमें इन्जॉय करवाते आ रहे हैं। तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली होने वाली है जी 90s लवर के लिए। अगर आप लोग भी 90s के लवर हैं, आप लोगों को 90s के एरा से आई हुई कुछ मूवीज़ पसंद हैं, तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। और अगर आप स्पेशली SRK के भी फ़ैन हैं, शाहरुख खान के फ़ैन हैं, तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए। आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी बताने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी 1995 में रिलीज़ हो चुकी राम जाने के बारे में, जो कि SRK की एक मोस्ट पॉपुलर मूवी भी कहलाई जाती है। DDLJ, राम जाने, ये सारी मूवीज़ आप लोगों को उनकी मोस्ट पॉपुलर मूवीज़ में काउंट की जाती हैं। तो यहाँ पर हम राम जाने के बारे में डिस्कशन करेंगे, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किए जाएंगे। उसी के साथ आप लोगों को और भी डिटेल्स दी जाएंगी, इस मूवी के रिलेटेड रिव्यू बताया जाएगा, फैक्ट्स दिखाए जाएंगे इस मूवी के, और भी काफ़ी कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड बताने की कोशिश की जाएगी। तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो यहां पर इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर मुझसे पूछे, वो सारे के सारे यहां पर क्लियर किए जाएंगे। जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहां पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप
आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस मूवी की, कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की है, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आईएमडीबी रेटिंग की, कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की जो है वो आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो 5.4 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है, जो कि हाँ एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी आईएमडीबी रेटिंग है। एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को गूगल के यूजर्स की जानिब से ये जो परसेंटेज देखने को मिलती है वो कितनी है। तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर 63% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर SRK देखने को मिलेंगे, मीन्स शाहरुख खान देखने को मिल जाएंगे, जूही चावला देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ आप लोगों को विवेक मिश्रान, पंकज कपूर, पुनीत इसार, तीनू आनंद, देवेन वर्मा, गुलशन ग्रोवर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड आप लोगों को ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है। एंड आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी जो है वो देखनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाने देती। आप लोग इसे एक चांस दीजिएगा और लिटरली ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी की गई है। बाकी उसी के साथ हम आगे बड़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, और उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जेनर क्या देखने को मिलता है, इन चीज़ों पर हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जेनर की, इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को जो है वो एक्शन के साथ थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा। उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो हाँ इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा लेंथी तो नहीं रखी गई, बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इस मूवी की। यहाँ पर आप लोगों को जो है वो तकरीबन आप लोगों को 2 घंटे के राउंड अबाउट या उससे भी कम इस मूवी टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। एंड इस टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो जाया नहीं जाएगा। आप लोग डेफिनेटली एक चांस दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का चांस जाया नहीं जाने देगा। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलती है एंड यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को किसने संभाला ये बता देता हूँ। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर राजीव मेहरा ने संभाला एंड ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है, जो कि नेटफ्लिक्स पर अभी अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे। वेल तो जी ऐसा के हमें 90s से स्टार्ट हुए थे हमें एंटरटेन करना, हमें अच्छी अच्छी मूवीज़ देना, हमें अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन बताना। 90s के एरा से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, अपना करियर स्टार्ट किया एंड आज तक वो हमें इसी तरह से बताते आ रहे हैं, दिखाते आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ हमें इन्जॉय करवाते आ रहे हैं। तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली होने वाली है जी 90s लवर के लिए। अगर आप लोग भी 90s के लवर हैं, आप लोगों को 90s के एरा से आई हुई कुछ मूवीज़ पसंद हैं, तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। और अगर आप स्पेशली ऐसा
आरके के भी फैन है, शाहरुख खान के फैन है, तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए। आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी बताने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी 1995 में रिलीज हो चुकी राम जाने के बारे में, जो कि SRK की एक मोस्ट पॉपुलर मूवी भी कहलाई जाती है। DDLJ, राम जाने, ये सारी मूवीज़ आप लोगों को उनकी मोस्ट पॉपुलर मूवीज़ में काउंट की जाती हैं। तो यहाँ पर हम राम जाने के बारे में डिस्कशन करेंगे, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किया जाएंगे, उसी के साथ आप लोगों को और भी डिटेल्स दी जाएंगी, इस मूवी के रिलेटेड रिव्यू बताया जाएगा, फैक्ट्स दिखाए जाएंगे इस मूवी के, और भी काफ़ी कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड बताने की कोशिश की जाएगी। तो हाँ, आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो यहां पर इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर मुझसे पूछे वो सारे के सारे यहां पर क्लियर किए जाएंगे। जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहां पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई, एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस मूवी की कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की है, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे IMDb रेटिंग की कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें तो 5.4 आउट ऑफ 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग है, जो कि हाँ एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी IMDb रेटिंग है, एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को गूगल के यूजर्स की जानिब से ये जो परसेंटेज देखने को मिलती है वो कितनी है। तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर 63% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है, एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर SRK देखने को मिलेंगे, मीन्स शाहरुख खान देखने को मिल जाएंगे, जूही चावला देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को विवेक मिश्रान, पंकज कपूर, पुनीत इसार, तीनू आनंद, देवेन वर्मा, गुलशन ग्रोवर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड आप लोगों को ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है। एंड आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी जो है वो देखनी चाहिए क्योंकि आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाने देती। आप लोग इसे एक चांस दीजिएगा और लिटरली ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी की गई है। बाकी उसी के साथ हम आगे बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, और उसी के साथ आप लोगों को यहां पर जो है वो सारी की सारी जेनर क्या देखने को मिलता है, इन चीजों पर हम यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जेनर की, इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को जो है वो एक्शन के साथ थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, एंड आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा।
उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो हाँ इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा लेंदी तो नहीं रखी गई, बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इस मूवी की। यहाँ पर आप लोगों को जो है वो तकरीबन आप लोगों को 2 घंटे के राउंड अबाउट या उससे भी कम इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। एंड इस टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो जाया नहीं जाएगा, आप लोग डेफिनेटली एक चांस दीजिएगा क्योंकि आप लोगों का चांस जाया नहीं जाने देगा। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलती है एंड यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को किसने संभाला ये बता देता हूं। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहां पर राजीव मेहरा ने संभाला एंड ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जो कि नेटफ्लिक्स पर अभी अवेलेबल कर दी गई है, आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे। वेल तो जी ऐसा के हमें 90s से स्टार्ट हुए थे हमें एंटरटेन करना, हमें अच्छी अच्छी मूवीज़ देना, हमें अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन बताना। 90s के एरा से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, अपना करियर स्टार्ट किया एंड आज तक वो हमें इसी तरह से बताते आ रहे हैं, दिखाते आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ हमें इन्जॉय करवाते आ रहे हैं। तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली होने वाली है जी 90s लवर के लिए। अगर आप लोग भी 90s के लवर हैं, आप लोगों को 90s के एरा से आई हुई कुछ मूवीज़ पसंद हैं, तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। और अगर आप स्पेशली SRK के भी फ़ैन हैं, शाहरुख खान के फ़ैन हैं, तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए। आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी बताने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी 1995 में रिलीज हो चुकी राम जाने के बारे में, जो कि SRK की एक मोस्ट पॉपुलर मूवी भी कहलाई जाती है। DDLJ, राम जाने, ये सारी मूवीज आप लोगों को उनकी मोस्ट पॉपुलर मूवीज में काउंट की जाती हैं। तो यहाँ पर हम राम जाने के बारे में डिस्कशन करेंगे, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किया जाएंगे, उसी के साथ आप लोगों को और भी डिटेल्स दी जाएंगी, इस मूवी के रिलेटेड रिव्यू बताया जाएगा, फैक्ट्स दिखाए जाएंगे इस मूवी के, और भी काफी कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड बताने की कोशिश की जाएगी। तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो यहां पर इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोगों ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर मुझसे पूछे वो सारे के सारे यहां पर क्लियर किए जाएंगे। जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहां पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस मूवी की कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की है, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे IMDb रेटिंग की कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें तो 5.4 out of 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग है, जो कि हाँ एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी IMDb रेटिंग है एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को गूगल के यूजर्स की जानिब से ये जो परसेंटेज देखने को मिलती है वो कितनी है। तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर 63% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा।
उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर SRK देखने को मिलेंगे, मीन्स शाहरुख खान देखने को मिल जाएंगे, जूही चावला देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को विवेक मिश्रान, पंकज कपूर, पुनीत इसार, तीनू आनंद, देवेन वर्मा, गुलशन ग्रोवर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर इस मूवी में 4 चांद लगाए हैं एंड आप लोगों को ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है एंड आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी जो है वो देखनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाने देती, आप लोग इसे एक चांस दीजिएगा और लिटरली ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी की गई है। बाकी उसी के साथ हम आगे बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, और उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जेनर क्या देखने को मिलता है, इन चीजों पर हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जेनर की, इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को जो है वो एक्शन के साथ थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो जाया नहीं जाएगा। उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो हाँ इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा लेंथी तो नहीं रखी गई, बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इस मूवी की। यहाँ पर आप लोगों को जो है वो तकरीबन आप लोगों को 2 घंटे के राउंड अबाउट या उससे भी कम इस मूवी टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इस टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो जाया नहीं जाएगा, आप लोग डेफिनेटली एक चांस दीजिएगा क्योंकि आप लोगों का चांस जाया नहीं जाने देगा। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलती है एंड यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को किसने संभाला ये बता देता हूँ। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर राजीव मेहरा ने संभाला एंड ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है, जो कि नेटफ्लिक्स पर अभी अवेलेबल कर दी गई है, आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे। वेल तो जी SRK हमें 90s से स्टार्ट हुए थे हमें एंटरटेन करना, हमें अच्छी अच्छी मूवीज़ देना, हमें अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन बताना। 90s के एरा से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, अपना करियर स्टार्ट किया एंड आज तक वो हमें इसी तरह से बताते आ रहे हैं, दिखाते आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ हमें इन्जॉय करवाते आ रहे हैं। तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली होने वाली है जी 90s लवर के लिए। अगर आप लोग भी 90s के लवर हैं, आप लोगों को 90s के एरा से आई हुई कुछ मूवीज़ पसंद है, तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। और अगर आप स्पेशली SRK के भी फ़ैन हैं, शाहरुख खान के फ़ैन हैं, तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए। आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी बताने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी 1995 में रिलीज़ हो चुकी राम जाने के बारे में, जो कि SRK की एक मोस्ट पॉपुलर मूवी भी कहलाई जाती है। DDLJ, राम जाने, ये सारी मूवीज़ आप लोगों को उनकी मोस्ट पॉपुलर मूवीज़ में काउंट की जाती हैं। तो यहाँ पर हम राम जाने के बारे में डिस्कशन करेंगे, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किया जाएंगे, उसी के साथ आप लोगों को और भी डिटेल्स दी जाएंगी, इस मूवी के रिलेटेड रिव्यू बताया जाएगा, फैक्ट्स दिखाए जाएंगे इस मूवी के, और भी काफ़ी कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड बताने की कोशिश की जाएगी। तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो यहां पर इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर मुझसे पूछे, वो सारे के सारे यहां पर क्लियर किए जाएंगे। जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहां पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप
लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस मूवी की, कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की है, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आईएमडीबी रेटिंग की, कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की जो है वो आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो 5.4 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है, जो कि हाँ एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी आईएमडीबी रेटिंग है। एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को गूगल के यूजर्स की जानिब से ये जो परसेंटेज देखने को मिलती है वो कितनी है। तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर 63% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर SRK देखने को मिलेंगे, मीन्स शाहरुख खान देखने को मिल जाएंगे, जूही चावला देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ आप लोगों को विवेक मिश्रान, पंकज कपूर, पुनीत इसार, तीनू आनंद, देवेन वर्मा, गुलशन ग्रोवर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर इस मूवी में 4 चांद लगाए हैं। एंड आप लोगों को ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है, एंड आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी जो है वो देखनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाने देती। आप लोग इसे एक चांस दीजिएगा और लिटरली ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी की गई है। बाकी उसी के साथ हम आगे बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, और उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जेनर क्या देखने को मिलता है, इन चीजों पर हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जेनर की, इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को जो है वो एक्शन के साथ थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा। उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो हाँ इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा लेंथी तो नहीं रखी गई, बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इस मूवी की। यहाँ पर आप लोगों को जो है वो तकरीबन आप लोगों को 2 घंटे के राउंड अबाउट या उससे भी कम इस मूवी टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। एंड इस टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो जाया नहीं जाएगा। आप लोग डेफिनेटली एक चांस दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का चांस जाया नहीं जाने देगा। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलती है, एंड यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को किसने संभाला ये बता देता हूं। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहां पर राजीव मेहरा ने संभाला, एंड ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है, जो कि नेटफ्लिक्स पर अभी अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे। वेल तो जी SRK हमें 90s से स्टार्ट हुए थे हमें एंटरटेन करना, हमें अच्छी अच्छी मूवीज़ देना, हमें अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन बताना। 90s के एरा से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, अपना करियर स्टार्ट किया, एंड आज तक वो हमें इसी तरह से बताते आ रहे हैं, दिखाते आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ हमें एंजॉय करवाते आ रहे हैं। तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली होने वाली है जी 90s लवर के लिए। अगर आप लोग भी 90s के लवर हैं, आप लोगों को 90s के एरा से
आई हुई कुछ मूवीज पसंद है, तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। और अगर आप स्पेशली SRK के भी फैन है, शाहरुख खान के फैन है, तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए। आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी बताने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी 1995 में रिलीज हो चुकी राम जाने के बारे में, जो कि SRK की एक मोस्ट पॉपुलर मूवी भी कहलाई जाती है। DDLJ, राम जाने, ये सारी मूवीज आप लोगों को उनकी मोस्ट पॉपुलर मूवीज में काउंट की जाती हैं। तो यहाँ पर हम राम जाने के बारे में डिस्कशन करेंगे, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किया जाएंगे, उसी के साथ आप लोगों को और भी डिटेल्स दी जाएंगी, इस मूवी के रिलेटेड रिव्यू बताया जाएगा, फैक्ट्स दिखाए जाएंगे इस मूवी के, और भी काफी कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड बताने की कोशिश की जाएगी। तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो यहां पर इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर मुझसे पूछे, वो सारे के सारे यहां पर क्लियर किए जाएंगे। जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहां पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई, एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस मूवी की, कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की है, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे IMDb रेटिंग की, कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें, कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें तो 5.4 आउट ऑफ 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग है, जो कि हाँ एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी IMDb रेटिंग है, एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को गूगल के यूजर्स की जानिब से ये जो परसेंटेज देखने को मिलती है वो कितनी है। तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर 63% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है, एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर SRK देखने को मिलेंगे, मीन्स शाहरुख खान देखने को मिल जाएंगे, जूही चावला देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को विवेक मिश्रान, पंकज कपूर, पुनीत इसार, तीनू आनंद, देवेन वर्मा, गुलशन ग्रोवर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर इस मूवी में 4 चांद लगाए हैं, एंड आप लोगों को ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है, एंड आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी जो है वो देखनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाने देती। आप लोग इसे एक चांस दीजिएगा, और लिटरली ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी की गई है। बाकी उसी के साथ हम आगे बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, और उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जेनर क्या देखने को मिलता है, इन चीजों पर हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जेनर की, इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को जो है वो एक्शन के साथ थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, एंड आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा।
उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो हाँ इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा लेंदी तो नहीं रखी गई, बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इस मूवी की। यहाँ पर आप लोगों को जो है वो तकरीबन आप लोगों को 2 घंटे के राउंड अबाउट या उससे भी कम इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। एंड इस टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो जाया नहीं जाएगा। आप लोग डेफिनेटली एक चांस दीजिएगा क्योंकि आप लोगों का चांस जाया नहीं जाने देगा। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलती है एंड यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्शन को किसने संभाला ये बता देता हूँ। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर राजीव मेहरा ने संभाला एंड ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जो कि नेटफ्लिक्स पर अभी अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे। वेल तो जी ऐसा के हमें 90s से स्टार्ट हुए थे हमें एंटरटेन करना, हमें अच्छी अच्छी मूवीज़ देना, हमें अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन बताना। 90s के एरा से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, अपना करियर स्टार्ट किया एंड आज तक वो हमें इसी तरह से बताते आ रहे हैं, दिखाते आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ हमें एंजॉय करवाते आ रहे हैं। तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली होने वाली है जी 90s लवर के लिए। अगर आप लोग भी 90s के लवर हैं, आप लोगों को 90s के एरा से आई हुई कुछ मूवीज़ पसंद हैं, तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। और अगर आप स्पेशली SRK के भी फ़ैन हैं, शाहरुख खान के फ़ैन हैं, तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए। आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी बताने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी 1995 में रिलीज हो चुकी राम जाने के बारे में, जो कि SRK की एक मोस्ट पॉपुलर मूवी भी कहलाई जाती है। DDLJ, राम जाने, ये सारी मूवीज आप लोगों को उनकी मोस्ट पॉपुलर मूवीज में काउंट की जाती हैं। तो यहाँ पर हम राम जाने के बारे में डिस्कशन करेंगे, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किया जाएंगे, उसी के साथ आप लोगों को और भी डिटेल्स दी जाएंगी, इस मूवी के रिलेटेड रिव्यू बताया जाएगा, फैक्ट्स दिखाए जाएंगे इस मूवी के, और भी काफी कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड बताने की कोशिश की जाएगी। तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो अंदर क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो यहां पर इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोगों ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर मुझसे पूछे वो सारे के सारे यहां पर क्लियर किए जाएंगे। जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहां पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस मूवी की कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की है, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे IMDb रेटिंग की कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें तो 5.4 out of 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग है, जो कि हाँ एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी IMDb रेटिंग है एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को गूगल के यूजर्स की जानिब से ये जो परसेंटेज देखने को मिलती है वो कितनी है। तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर 63% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा।
उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर SRK देखने को मिलेंगे, मीन्स शाहरुख खान देखने को मिल जाएंगे, जूही चावला देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को विवेक मिश्रान, पंकज कपूर, पुनीत इसार, तीनू आनंद, देवेन वर्मा, गुलशन ग्रोवर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर इस मूवी में 4 चांद लगाए हैं एंड आप लोगों को ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है। एंड आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी जो है वो देखनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाने देती, आप लोग इसे एक चांस दीजिएगा और लिटरली ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी की गई है। बाकी उसी के साथ हम आगे बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, और उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जनर क्या देखने को मिलता है, इन चीजों पर हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जनर की, इस मूवी का जनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को जो है वो एक्शन के साथ थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो जाया नहीं जाएगा। उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो हाँ इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा लेंदी तो नहीं रखी गई, बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इस मूवी की। यहाँ पर आप लोगों को जो है वो तकरीबन आप लोगों को 2 घंटे के राउंड अबाउट या उससे भी कम इस मूवी टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। एंड इस टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो जाया नहीं जाएगा। आप लोग डेफिनेटली एक चांस दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का चांस जाया नहीं जाने देगा। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलती है एंड यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को किसने संभाला ये बता देता हूं। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहां पर राजीव मेहरा ने संभाला एंड ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है, जो कि नेटफ्लिक्स पर अभी अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे। वेल तो जी, ऐसा के हमें 90s से स्टार्ट हुए थे हमें एंटरटेन करना, हमें अच्छी अच्छी मूवीज़ देना, हमें अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन बताना। 90s के एरा से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, अपना करियर स्टार्ट किया एंड आज तक वो हमें इसी तरह से बताते आ रहे हैं, दिखाते आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ हमें एंजॉय करवाते आ रहे हैं। तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली होने वाली है जी 90s लवर के लिए। अगर आप लोग भी 90s के लवर हैं, आप लोगों को 90s के एरा से आई हुई कुछ मूवीज़ पसंद हैं, तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। और अगर आप स्पेशली SRK के भी फ़ैन हैं, शाहरुख खान के फ़ैन हैं, तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए। आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी बताने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी 1995 में रिलीज हो चुकी राम जाने के बारे में, जो कि SRK की एक मोस्ट पॉपुलर मूवी भी कहलाई जाती है। DDLJ, राम जाने, ये सारी मूवीज आप लोगों को उनकी मोस्ट पॉपुलर मूवीज में काउंट की जाती हैं। तो यहाँ पर हम राम जाने के बारे में डिस्कशन करेंगे, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किया जाएंगे, उसी के साथ आप लोगों को और भी डिटेल्स दी जाएंगी, इस मूवी के रिलेटेड रिव्यू बताया जाएगा, फैक्ट्स दिखाए जाएंगे इस मूवी के, और भी काफी कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड बताने की कोशिश की जाएगी। तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो यहां पर इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर मुझसे पूछे, वो सारे के सारे यहां पर क्लियर किए जाएंगे। जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहां पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप
आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस मूवी की, कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की है, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आईएमडीबी रेटिंग की, कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें, कि इस मूवी की जो है वो आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो 5.4 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है, जो कि हाँ एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी आईएमडीबी रेटिंग है। एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को गूगल के यूजर्स की जानिब से ये जो परसेंटेज देखने को मिलती है वो कितनी है। तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर 63% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर SRK देखने को मिलेंगे, मीन्स शाहरुख खान देखने को मिल जाएंगे, जूही चावला देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ आप लोगों को विवेक मिश्रान, पंकज कपूर, पुनीत इसार, तीनू आनंद, देवेन वर्मा, गुलशन ग्रोवर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर इस मूवी में 4 चांद लगाए हैं। एंड आप लोगों को ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है, एंड आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी जो है वो देखनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाने देती। आप लोग इसे एक चांस दीजिएगा और लिटरली ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी की गई है। बाकी उसी के साथ हम आगे बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, और उसी के साथ आप लोगों को यहां पर जो है वो सारी की सारी जेनर क्या देखने को मिलता है, इन चीजों पर हम यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जेनर की, इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को जो है वो एक्शन के साथ थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा। उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो हाँ इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा लेंथी तो नहीं रखी गई, बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इस मूवी की। यहाँ पर आप लोगों को जो है वो तकरीबन आप लोगों को 2 घंटे के राउंड अबाउट या उससे भी कम इस मूवी टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। एंड इस टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो जाया नहीं जाएगा। आप लोग डेफिनेटली एक चांस दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का चांस जाया नहीं जाने देगा। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलती है, एंड यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को किसने संभाला ये बता देता हूं। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहां पर राजीव मेहरा ने संभाला, एंड ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है, जो कि नेटफ्लिक्स पर अभी अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे। वेल तो जी SRK हमें 90s से स्टार्ट हुए थे हमें एंटरटेन करना, हमें अच्छी अच्छी मूवीज़ देना, हमें अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन बताना। 90s के एरा से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, अपना करियर स्टार्ट किया, एंड आज तक वो हमें इसी तरह से बताते आ रहे हैं, दिखाते आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ हमें एंजॉय करवाते आ रहे हैं। तो आज की ये जो वीडियो है
वो स्पेशली होने वाली है जी 90s लवर के लिए। अगर आप लोग भी 90s के लवर हैं, आप लोगों को 90s के एरा से आई हुई कुछ मूवीज पसंद है, तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। और अगर आप स्पेशली SRK के भी फैन हैं, शाहरुख खान के फैन हैं, तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए। आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी बताने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी 1995 में रिलीज हो चुकी, राम जाने के बारे में, जो कि SRK की एक मोस्ट पॉपुलर मूवी भी कहलाई जाती है। DDLJ, राम जाने, ये सारी मूवीज आप लोगों को उनकी मोस्ट पॉपुलर मूवीज में काउंट की जाती हैं। तो यहाँ पर हम राम जाने के बारे में डिस्कशन करेंगे, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किया जाएंगे, उसी के साथ आप लोगों को और भी डिटेल्स दी जाएंगी, इस मूवी के रिलेटेड रिव्यू बताया जाएगा, फैक्ट्स दिखाए जाएंगे इस मूवी के, और भी काफी कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड बताने की कोशिश की जाएगी। तो हाँ, आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो यहां पर इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर मुझसे पूछे, वो सारे के सारे यहां पर क्लियर किए जाएंगे। जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहां पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई, एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस मूवी की, कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की है, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे IMDb रेटिंग की, कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें, कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें, तो 5.4 आउट ऑफ 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग है, जो कि हाँ एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी IMDb रेटिंग है, एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर, कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को गूगल के यूजर्स की जानिब से ये जो परसेंटेज देखने को मिलती है वो कितनी है। तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर 63% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है, एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर SRK देखने को मिलेंगे, मीन्स शाहरुख खान देखने को मिल जाएंगे, जूही चावला देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को विवेक मिश्रान, पंकज कपूर, पुनीत इसार, तीनू आनंद, देवेन वर्मा, गुलशन ग्रोवर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर इस मूवी में 4 चांद लगाए हैं, एंड आप लोगों को ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है, एंड आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी जो है वो देखनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाने देती। आप लोग इसे एक चांस दीजिएगा, और लिटरली ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी की गई है। बाकी उसी के साथ हम आगे बड़े एंड बात करें यहाँ पर, कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, और उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जेनर क्या देखने को मिलता है, इन चीज़ों पर हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जेनर की, इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को जो है वो एक्शन के साथ थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, एंड आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा।
उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो हाँ इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा लेंदी तो नहीं रखी गई, बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इस मूवी की। यहाँ पर आप लोगों को जो है वो तकरीबन आप लोगों को 2 घंटे के राउंड अबाउट या उससे भी कम इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। एंड इस टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो जाया नहीं जाएगा, आप लोग डेफिनेटली एक चांस दीजिएगा क्योंकि आप लोगों का चांस जाया नहीं जाने देगा। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलती है एंड यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को किसने संभाला ये बता देता हूं। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहां पर राजीव मेहरा ने संभाला एंड ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जो कि नेटफ्लिक्स पर अभी अवेलेबल कर दी गई है, आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे। वेल तो जी ऐसा के हमें 90s से स्टार्ट हुए थे हमें एंटरटेन करना, हमें अच्छी अच्छी मूवीज़ देना, हमें अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन बताना। 90s के एरा से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, अपना करियर स्टार्ट किया एंड आज तक वो हमें इसी तरह से बताते आ रहे हैं, दिखाते आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ हमें एंजॉय करवाते आ रहे हैं। तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली होने वाली है जी 90s लवर के लिए। अगर आप लोग भी 90s के लवर हैं, आप लोगों को 90s के एरा से आई हुई कुछ मूवीज़ पसंद हैं, तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। और अगर आप स्पेशली SRK के भी फ़ैन हैं, शाहरुख खान के फ़ैन हैं, तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए। आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी बताने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी 1995 में रिलीज़ हो चुकी राम जाने के बारे में, जो कि SRK की एक मोस्ट पॉपुलर मूवी भी कहलाई जाती है। DDLJ, राम जाने, ये सारी मूवीज़ आप लोगों को उनकी मोस्ट पॉपुलर मूवीज़ में काउंट की जाती हैं। तो यहाँ पर हम राम जाने के बारे में डिस्कशन करेंगे, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किया जाएंगे, उसी के साथ आप लोगों को और भी डिटेल्स दी जाएंगी, इस मूवी के रिलेटेड रिव्यू बताया जाएगा, फैक्ट्स दिखाए जाएंगे इस मूवी के, और भी काफ़ी कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड बताने की कोशिश की जाएगी। तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो अंदर क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो यहां पर इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोगों ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर मुझसे पूछे वो सारे के सारे यहां पर क्लियर किए जाएंगे। जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहां पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस मूवी की कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की है, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे IMDb रेटिंग की कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें तो 5.4 आउट ऑफ 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग है, जो कि हाँ एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी IMDb रेटिंग है एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को गूगल के यूजर्स की जानिब से ये जो परसेंटेज देखने को मिलती है वो कितनी है। तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर 63% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा।
उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर SRK देखने को मिलेंगे, मीन्स शाहरुख खान देखने को मिल जाएंगे, जूही चावला देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को विवेक मिश्रान, पंकज कपूर, पुनीत इसार, तीनू आनंद, देवेन वर्मा, गुलशन ग्रोवर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर इस मूवी में 4 चांद लगाए हैं एंड आप लोगों को ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है। एंड आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी जो है वो देखनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाने देती, आप लोग इसे एक चांस दीजिएगा और लिटरली ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी की गई है। बाकी उसी के साथ हम आगे बड़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, और उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जनर क्या देखने को मिलता है, इन चीजों पर हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जनर की, इस मूवी का जनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को जो है वो एक्शन के साथ थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो जाया नहीं जाएगा। उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो हाँ इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा लेंदी तो नहीं रखी गई, बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इस मूवी की। यहाँ पर आप लोगों को जो है वो तकरीबन आप लोगों को 2 घंटे के राउंड अबाउट या उससे भी कम इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। एंड इस टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो जाया नहीं जाएगा। आप लोग डेफिनेटली एक चांस दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का चांस जाया नहीं जाने देगा। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलती है एंड यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्शन को किसने संभाला ये बता देता हूँ। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर राजीव मेहरा ने संभाला एंड ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है, जो कि नेटफ्लिक्स पर अभी अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे। वेल तो जी, ऐसा के हमें 90s से स्टार्ट हुए थे हमें एंटरटेन करना, हमें अच्छी अच्छी मूवीज़ देना, हमें अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन बताना। 90s के एरा से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, अपना करियर स्टार्ट किया एंड आज तक वो हमें इसी तरह से बताते आ रहे हैं, दिखाते आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ हमें एंजॉय करवाते आ रहे हैं। तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली होने वाली है जी 90s लवर के लिए। अगर आप लोग भी 90s के लवर हैं, आप लोगों को 90s के एरा से आई हुई कुछ मूवीज़ पसंद हैं, तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। और अगर आप स्पेशली SRK के भी फ़ैन हैं, शाहरुख खान के फ़ैन हैं, तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए। आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी बताने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी 1995 में रिलीज़ हो चुकी राम जाने के बारे में, जो कि SRK की एक मोस्ट पॉपुलर मूवी भी कहलाई जाती है। DDLJ, राम जाने, ये सारी मूवीज़ आप लोगों को उनकी मोस्ट पॉपुलर मूवीज़ में काउंट की जाती हैं। तो यहाँ पर हम राम जाने के बारे में डिस्कशन करेंगे, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किया जाएंगे, उसी के साथ आप लोगों को और भी डिटेल्स दी जाएंगी, इस मूवी के रिलेटेड रिव्यू बताया जाएगा, फैक्ट्स दिखाए जाएंगे इस मूवी के, और भी काफ़ी कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड बताने की कोशिश की जाएगी। तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो यहां पर इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर मुझसे पूछे वो सारे के सारे यहां पर क्लियर किए जाएंगे। जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहां पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप
आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस मूवी की, कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की है, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आईएमडीबी रेटिंग की, कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की जो है वो आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो 5.4 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है, जो कि हाँ एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी आईएमडीबी रेटिंग है। एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को गूगल के यूजर्स की जानिब से ये जो परसेंटेज देखने को मिलती है वो कितनी है। तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर 63% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर SRK देखने को मिलेंगे, मीन्स शाहरुख खान देखने को मिल जाएंगे, जूही चावला देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ आप लोगों को विवेक मिश्रान, पंकज कपूर, पुनीत इसार, तीनू आनंद, देवेन वर्मा, गुलशन ग्रोवर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर इस मूवी में 4 चांद लगाए हैं एंड आप लोगों को ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है। एंड आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी जो है वो देखनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाने देती। आप लोग इसे एक चांस दीजिएगा और लिटरली ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी की गई है। बाकी उसी के साथ हम आगे बड़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। और उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जेनर क्या देखने को मिलता है, इन चीज़ों पर हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जेनर की, इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को जो है वो एक्शन के साथ थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा। उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो हाँ इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा लेंथी तो नहीं रखी गई, बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इस मूवी की। यहाँ पर आप लोगों को जो है वो तकरीबन आप लोगों को 2 घंटे के राउंड अबाउट या उससे भी कम इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। एंड इस टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो जाया नहीं जाएगा। आप लोग डेफिनेटली एक चांस दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का चांस जाया नहीं जाने देगा। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलती है एंड यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को किसने संभाला ये बता देता हूँ। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर राजीव मेहरा ने संभाला एंड ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है, जो कि नेटफ्लिक्स पर अभी अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे। वेल तो जी ऐसा कि हमें 90s से स्टार्ट हुए थे हमें एंटरटेन करना, हमें अच्छी अच्छी मूवीज़ देना, हमें अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन बताना। 90s के एरा से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, अपना करियर स्टार्ट किया एंड आज तक वो हमें इसी तरह से बताते आ रहे हैं, दिखाते आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ हमें एंजॉय करवाते आ रहे हैं। तो आज की ये जो वीडियो है
वो स्पेशली होने वाली है जी 90s लवर के लिए। अगर आप लोग भी 90s के लवर हैं, आप लोगों को 90s के एरा से आई हुई कुछ मूवीज पसंद है, तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। और अगर आप स्पेशली SRK के भी फैन है, शाहरुख खान के फैन है, तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए। आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी बताने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी 1995 में रिलीज हो चुकी, राम जाने के बारे में, जो कि SRK की एक मोस्ट पॉपुलर मूवी भी कहलाई जाती है। DDLJ, राम जाने, ये सारी मूवीज आप लोगों को उनकी मोस्ट पॉपुलर मूवीज में काउंट की जाती हैं। तो यहाँ पर हम राम जाने के बारे में डिस्कशन करेंगे, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किए जाएंगे। उसी के साथ आप लोगों को और भी डिटेल्स दी जाएंगी, इस मूवी के रिलेटेड रिव्यू बताया जाएगा, फैक्ट्स दिखाए जाएंगे इस मूवी के, और भी काफी कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड बताने की कोशिश की जाएगी। तो हाँ, आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो यहां पर इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर मुझसे पूछे, वो सारे के सारे यहां पर क्लियर किए जाएंगे। जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहां पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई, एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस मूवी की, कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की है, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे IMDb रेटिंग की, कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें, कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें, तो 5.4 आउट ऑफ 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग है, जो कि हाँ एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी IMDb रेटिंग है, एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर, कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को गूगल के यूजर्स की जानिब से ये जो परसेंटेज देखने को मिलती है वो कितनी है। तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर 63% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है, एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर, कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर SRK देखने को मिलेंगे, मीन्स शाहरुख खान देखने को मिल जाएंगे, जूही चावला देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को विवेक मिश्रान, पंकज कपूर, पुनीत इसार, तीनू आनंद, देवेन वर्मा, गुलशन ग्रोवर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर इस मूवी में चार चांद लगाए हैं, एंड आप लोगों को ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है, एंड आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी जो है वो देखनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाने देती। आप लोग इसे एक चांस दीजिएगा, और लिटरली ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी की गई है। बाकी उसी के साथ हम आगे बड़े एंड बात करें यहाँ पर, कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, और उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जेनर क्या देखने को मिलता है, इन चीजों पर हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जेनर की, इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को जो है वो एक्शन के साथ थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, एंड आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा।
उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो हाँ इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा लेंदी तो नहीं रखी गई, बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इस मूवी की। यहाँ पर आप लोगों को जो है वो तकरीबन आप लोगों को 2 घंटे के राउंड अबाउट या उससे भी कम इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। एंड इस टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो जाया नहीं जाएगा, आप लोग डेफिनेटली एक चांस दीजिएगा क्योंकि आप लोगों का चांस जाया नहीं जाने देगा। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलती है एंड यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को किसने संभाला ये बता देता हूं। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहां पर राजीव मेहरा ने संभाला एंड ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जो कि नेटफ्लिक्स पर अभी अवेलेबल कर दी गई है, आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे। वेल तो जी ऐसा कि हमें 90s से स्टार्ट हुए थे हमें एंटरटेन करना, हमें अच्छी अच्छी मूवीज़ देना, हमें अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन बताना, 90s के एरा से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, अपना करियर स्टार्ट किया एंड आज तक वो हमें इसी तरह से बताते आ रहे हैं, दिखाते आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ हमें इन्जॉय करवाते आ रहे हैं। तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली होने वाली है जी 90s लवर के लिए। अगर आप लोग भी 90s के लवर हैं, आप लोगों को 90s के एरा से आई हुई कुछ मूवीज़ पसंद हैं, तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। और अगर आप स्पेशली SRK के भी फ़ैन हैं, शाहरुख खान के फ़ैन हैं, तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए। आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी बताने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी 1995 में रिलीज हो चुकी राम जाने के बारे में, जो कि SRK की एक मोस्ट पॉपुलर मूवी भी कहलाई जाती है। DDLJ, राम जाने, ये सारी मूवीज आप लोगों को उनकी मोस्ट पॉपुलर मूवीज में काउंट की जाती हैं। तो यहाँ पर हम राम जाने के बारे में डिस्कशन करेंगे, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किए जाएंगे, उसी के साथ आप लोगों को और भी डिटेल्स दी जाएंगी, इस मूवी के रिलेटेड रिव्यू बताया जाएगा, फैक्ट्स दिखाए जाएंगे इस मूवी के, और भी काफी कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड बताने की कोशिश की जाएगी। तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो यहां पर इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर मुझसे पूछे वो सारे के सारे यहां पर क्लियर किए जाएंगे। जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहां पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस मूवी की कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की है, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे IMDb रेटिंग की कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें तो 5.4 out of 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग है, जो कि हाँ एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी IMDb रेटिंग है एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को गूगल के यूजर्स की जानिब से ये जो परसेंटेज देखने को मिलती है वो कितनी है। तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर 63% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा।
उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर SRK देखने को मिलेंगे, मीन्स शाहरुख खान देखने को मिल जाएंगे, जूही चावला देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को विवेक मिश्रान, पंकज कपूर, पुनीत इसार, तीनू आनंद, देवेन वर्मा, गुलशन ग्रोवर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर इस मूवी में 4 चांद लगाए हैं एंड आप लोगों को ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है। एंड आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी जो है वो देखनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाने देती, आप लोग इसे एक चांस दीजिएगा और लिटरली ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी की गई है। बाकी उसी के साथ हम आगे बड़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, और उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जेनर क्या देखने को मिलता है, इन चीज़ों पर हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जेनर की, इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को जो है वो एक्शन के साथ थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो जाया नहीं जाएगा। उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो हाँ इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा लेंथी तो नहीं रखी गई, बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इस मूवी की। यहाँ पर आप लोगों को जो है वो तकरीबन आप लोगों को 2 घंटे के राउंड अबाउट या उससे भी कम इस मूवी टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। एंड इस टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो जाया नहीं जाएगा। आप लोग डेफिनेटली एक चांस दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का चांस जाया नहीं जाने देगा। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलती है एंड यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को किसने संभाला ये बता देता हूँ। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर राजीव मेहरा ने संभाला एंड ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है, जो कि नेटफ्लिक्स पर अभी अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे। वेल तो जी, ऐसा के हमें 90s से स्टार्ट हुए थे हमें एंटरटेन करना, हमें अच्छी अच्छी मूवीज़ देना, हमें अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन बताना। 90s के एरा से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, अपना करियर स्टार्ट किया एंड आज तक वो हमें इसी तरह से बताते आ रहे हैं, दिखाते आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ हमें इन्जॉय करवाते आ रहे हैं। तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली होने वाली है जी 90s लवर के लिए। अगर आप लोग भी 90s के लवर हैं, आप लोगों को 90s के एरा से आई हुई कुछ मूवीज़ पसंद हैं, तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। और अगर आप स्पेशली SRK के भी फ़ैन हैं, शाहरुख खान के फ़ैन हैं, तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए। आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी बताने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी 1995 में रिलीज़ हो चुकी राम जाने के बारे में, जो कि SRK की एक मोस्ट पॉपुलर मूवी भी कहलाई जाती है। DDLJ, राम जाने, ये सारी मूवीज़ आप लोगों को उनकी मोस्ट पॉपुलर मूवीज़ में काउंट की जाती हैं। तो यहाँ पर हम राम जाने के बारे में डिस्कशन करेंगे, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किया जाएंगे। उसी के साथ आप लोगों को और भी डिटेल्स दी जाएंगी, इस मूवी के रिलेटेड रिव्यू बताया जाएगा, फैक्ट्स दिखाए जाएंगे इस मूवी के, और भी काफ़ी कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड बताने की कोशिश की जाएगी। तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो यहां पर इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर मुझसे पूछे, वो सारे के सारे यहां पर क्लियर किए जाएंगे। जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहां पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप
आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस मूवी की, कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की है, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आईएमडीबी रेटिंग की, कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की जो है वो आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो 5.4 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है, जो कि हाँ एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी आईएमडीबी रेटिंग है। एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को गूगल के यूजर्स की जानिब से ये जो परसेंटेज देखने को मिलती है वो कितनी है। तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर 63% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर SRK देखने को मिलेंगे, मीन्स शाहरुख खान देखने को मिल जाएंगे, जूही चावला देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ आप लोगों को विवेक मिश्रान, पंकज कपूर, पुनीत इसार, तीनू आनंद, देवेन वर्मा, गुलशन ग्रोवर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर इस मूवी में चार चांद लगाए हैं एंड आप लोगों को ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है। एंड आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी जो है वो देखनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाने देती। आप लोग इसे एक चांस दीजिएगा और लिटरली ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी की गई है। बाकी उसी के साथ हम आगे बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, और उसी के साथ आप लोगों को यहां पर जो है वो सारी की सारी जेनर क्या देखने को मिलता है, इन चीजों पर हम यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जेनर की, इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को जो है वो एक्शन के साथ थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा। उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो हाँ इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा लेंथी तो नहीं रखी गई, बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इस मूवी की। यहाँ पर आप लोगों को जो है वो तकरीबन आप लोगों को 2 घंटे के राउंड अबाउट या उससे भी कम इस मूवी टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। एंड इस टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो जाया नहीं जाएगा। आप लोग डेफिनेटली एक चांस दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का चांस जाया नहीं जाने देगा। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलती है एंड यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को किसने संभाला ये बता देता हूं। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहां पर राजीव मेहरा ने संभाला एंड ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है, जो कि नेटफ्लिक्स पर अभी अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे। वेल तो जी SRK हमें 90s से स्टार्ट हुए थे हमें एंटरटेन करना, हमें अच्छी अच्छी मूवीज़ देना, हमें अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन बताना। 90s के एरा से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, अपना करियर स्टार्ट किया एंड आज तक वो हमें इसी तरह से बताते आ रहे हैं, दिखाते आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ हमें एंजॉय करवाते आ रहे हैं। तो आज की ये जो वीडियो है
वो स्पेशली होने वाली है जी 90s लवर के लिए। अगर आप लोग भी 90s के लवर हैं, आप लोगों को 90s के एरा से आई हुई कुछ मूवीज पसंद है, तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। और अगर आप स्पेशली SRK के भी फैन है, शाहरुख खान के फैन है, तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए। आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी बताने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी 1995 में रिलीज हो चुकी राम जाने के बारे में, जो कि SRK की एक मोस्ट पॉपुलर मूवी भी कहलाई जाती है। DDLJ, राम जाने, ये सारी मूवीज आप लोगों को उनकी मोस्ट पॉपुलर मूवीज में काउंट की जाती हैं। तो यहाँ पर हम राम जाने के बारे में डिस्कशन करेंगे, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किया जाएंगे। उसी के साथ आप लोगों को और भी डिटेल्स दी जाएंगी, इस मूवी के रिलेटेड रिव्यू बताया जाएगा, फैक्ट्स दिखाए जाएंगे इस मूवी के, और भी काफी कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड बताने की कोशिश की जाएगी। तो हाँ, आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो यहां पर इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोगों ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर मुझसे पूछे, वो सारे के सारे यहां पर क्लियर किए जाएंगे। जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहां पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई, एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस मूवी की, कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की है, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे IMDb रेटिंग की, कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें तो 5.4 आउट ऑफ 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग है, जो कि हाँ एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी IMDb रेटिंग है, एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को गूगल के यूजर्स की जानिब से ये जो परसेंटेज देखने को मिलती है वो कितनी है। तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर 63% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है, एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर SRK देखने को मिलेंगे, मीन्स शाहरुख खान देखने को मिल जाएंगे, जूही चावला देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को विवेक मिश्रान, पंकज कपूर, पुनीत इसार, तीनू आनंद, देवेन वर्मा, गुलशन ग्रोवर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर इस मूवी में 4 चांद लगाए हैं, एंड आप लोगों को ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है, एंड आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी जो है वो देखनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाने देती। आप लोग इसे एक चांस दीजिएगा, और लिटरली ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी की गई है। बाकी उसी के साथ हम आगे बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, और उसी के साथ आप लोगों को यहां पर जो है वो सारी की सारी जेनर क्या देखने को मिलता है, इन चीजों पर हम यहां पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जेनर की, इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को जो है वो एक्शन के साथ थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, एंड आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा।
उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो हाँ इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा लेंदी तो नहीं रखी गई, बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इस मूवी की। यहाँ पर आप लोगों को जो है वो तकरीबन आप लोगों को 2 घंटे के राउंड अबाउट या उससे भी कम इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। एंड इस टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो जाया नहीं जाएगा, आप लोग डेफिनेटली एक चांस दीजिएगा क्योंकि आप लोगों का चांस जाया नहीं जाने देगा। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलती है एंड यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को किसने संभाला ये बता देता हूं। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहां पर राजीव मेहरा ने संभाला एंड ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जो कि नेटफ्लिक्स पर अभी अवेलेबल कर दी गई है, आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे। वेल तो जी ऐसा के हमें 90s से स्टार्ट हुए थे हमें एंटरटेन करना, हमें अच्छी अच्छी मूवीज़ देना, हमें अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन बताना। 90s के एरा से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, अपना करियर स्टार्ट किया एंड आज तक वो हमें इसी तरह से बताते आ रहे हैं, दिखाते आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ हमें इन्जॉय करवाते आ रहे हैं। तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली होने वाली है जी 90s लवर के लिए। अगर आप लोग भी 90s के लवर हैं, आप लोगों को 90s के एरा से आई हुई कुछ मूवीज़ पसंद हैं, तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। और अगर आप स्पेशली SRK के भी फ़ैन हैं, शाहरुख खान के फ़ैन हैं, तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए। आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी बताने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी 1995 में रिलीज हो चुकी राम जाने के बारे में, जो कि SRK की एक मोस्ट पॉपुलर मूवी भी कहलाई जाती है। DDLJ, राम जाने, ये सारी मूवीज आप लोगों को उनकी मोस्ट पॉपुलर मूवीज में काउंट की जाती हैं। तो यहाँ पर हम राम जाने के बारे में डिस्कशन करेंगे, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किया जाएंगे, उसी के साथ आप लोगों को और भी डिटेल्स दी जाएंगी, इस मूवी के रिलेटेड रिव्यू बताया जाएगा, फैक्ट्स दिखाए जाएंगे इस मूवी के, और भी काफी कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड बताने की कोशिश की जाएगी। तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो यहां पर इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोगों ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर मुझसे पूछे वो सारे के सारे यहां पर क्लियर किए जाएंगे। जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहां पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवालों के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस मूवी की कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की है, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे IMDb रेटिंग की कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें तो 5.4 out of 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग है, जो कि हाँ एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी IMDb रेटिंग है एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को गूगल के यूजर्स की जानिब से ये जो परसेंटेज देखने को मिलती है वो कितनी है। तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर 63% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा।
उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर SRK देखने को मिलेंगे, मीन्स शाहरुख खान देखने को मिल जाएंगे, जूही चावला देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को विवेक मिश्रान, पंकज कपूर, पुनीत इसार, तीनू आनंद, देवेन वर्मा, गुलशन ग्रोवर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर इस मूवी में 4 चांद लगाए हैं एंड आप लोगों को ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है एंड आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी जो है वो देखनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाने देती, आप लोग इसे एक चांस दीजिएगा और लिटरली ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी की गई है। बाकी उसी के साथ हम आगे बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, और उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जेनर क्या देखने को मिलता है, इन चीजों पर हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जेनर की, इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को जो है वो एक्शन के साथ थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है एंड आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा। उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो हाँ इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा लेंथी तो नहीं रखी गई, बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इस मूवी की। यहाँ पर आप लोगों को जो है वो तकरीबन आप लोगों को 2 घंटे के राउंड अबाउट या उससे भी कम इस मूवी टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है एंड इस टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो जाया नहीं जाएगा, आप लोग डेफिनेटली एक चांस दीजिएगा क्योंकि आप लोगों का चांस जाया नहीं जाने देगा। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलती है एंड यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को किसने संभाला ये बता देता हूँ। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर राजीव मेहरा ने संभाला एंड ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है, जो कि नेटफ्लिक्स पर अभी अवेलेबल कर दी गई है, आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे। वेल तो जी SRK हमें 90s से स्टार्ट हुए थे हमें एंटरटेन करना, हमें अच्छी अच्छी मूवीज़ देना, हमें अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन बताना। 90s के एरा से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, अपना करियर स्टार्ट किया एंड आज तक वो हमें इसी तरह से बताते आ रहे हैं, दिखाते आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ हमें एंजॉय करवाते आ रहे हैं। तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली होने वाली है जी 90s लवर के लिए। अगर आप लोग भी 90s के लवर हैं, आप लोगों को 90s के एरा से आई हुई कुछ मूवीज़ पसंद हैं, तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। और अगर आप स्पेशली SRK के भी फ़ैन हैं, शाहरुख खान के फ़ैन हैं, तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए। आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी बताने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी 1995 में रिलीज हो चुकी राम जाने के बारे में, जो कि SRK की एक मोस्ट पॉपुलर मूवी भी कहलाई जाती है। DDLJ, राम जाने, ये सारी मूवीज आप लोगों को उनकी मोस्ट पॉपुलर मूवीज में काउंट की जाती हैं। तो यहाँ पर हम राम जाने के बारे में डिस्कशन करेंगे, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किया जाएंगे, उसी के साथ आप लोगों को और भी डिटेल्स दी जाएंगी, इस मूवी के रिलेटेड रिव्यू बताया जाएगा, फैक्ट्स दिखाए जाएंगे इस मूवी के, और भी काफी कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड बताने की कोशिश की जाएगी। तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो यहां पर इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोगों ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर मुझसे पूछे वो सारे के सारे यहां पर क्लियर किए जाएंगे। जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहां पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब
आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस मूवी की, कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की है, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे IMDb रेटिंग की, कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें तो 5.4 आउट ऑफ 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग है, जो कि हाँ एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी IMDb रेटिंग है। एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को गूगल के यूजर्स की जानिब से ये जो परसेंटेज देखने को मिलती है वो कितनी है। तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर 63% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर SRK देखने को मिलेंगे, मीन्स शाहरुख खान देखने को मिल जाएंगे, जूही चावला देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ आप लोगों को विवेक मिश्रान, पंकज कपूर, पुनीत इसार, तीनू आनंद, देवेन वर्मा, गुलशन ग्रोवर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर इस मूवी में 4 चांद लगाए हैं एंड आप लोगों को ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है। एंड आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी जो है वो देखनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाने देती। आप लोग इसे एक चांस दीजिएगा और लिटरली ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी की गई है। बाकी उसी के साथ हम आगे बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, और उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जेनर क्या देखने को मिलता है, इन चीजों पर हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जेनर की, इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को जो है वो एक्शन के साथ थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा। उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो हाँ इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा लेंथी तो नहीं रखी गई, बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इस मूवी की। यहाँ पर आप लोगों को जो है वो तकरीबन आप लोगों को 2 घंटे के राउंड अबाउट या उससे भी कम इस मूवी टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। एंड इस टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो जाया नहीं जाएगा। आप लोग डेफिनेटली एक चांस दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का चांस जाया नहीं जाने देगा। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलती है एंड यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को किसने संभाला ये बता देता हूं। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहां पर राजीव मेहरा ने संभाला एंड ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है, जो कि नेटफ्लिक्स पर अभी अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे। वेल तो जी SRK हमें 90s से स्टार्ट हुए थे हमें एंटरटेन करना, हमें अच्छी अच्छी मूवीज़ देना, हमें अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन बताना। 90s के एरा से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, अपना करियर स्टार्ट किया एंड आज तक वो हमें इसी तरह से बताते आ रहे हैं, दिखाते आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ हमें एंजॉय करवाते आ रहे हैं। तो आज की ये जो वीडियो है
वो स्पेशली होने वाली है जी 90s लवर के लिए। अगर आप लोग भी 90s के लवर हैं, आप लोगों को 90s के एरा से आई हुई कुछ मूवीज पसंद है, तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। और अगर आप स्पेशली SRK के भी फैन हैं, शाहरुख खान के फैन हैं, तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए। आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी बताने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी 1995 में रिलीज हो चुकी राम जाने के बारे में, जो कि SRK की एक मोस्ट पॉपुलर मूवी भी कहलाई जाती है। DDLJ, राम जाने, ये सारी मूवीज आप लोगों को उनकी मोस्ट पॉपुलर मूवीज में काउंट की जाती हैं। तो यहाँ पर हम राम जाने के बारे में डिस्कशन करेंगे, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किया जाएंगे, उसी के साथ आप लोगों को और भी डिटेल्स दी जाएंगी, इस मूवी के रिलेटेड रिव्यू बताया जाएगा, फैक्ट्स दिखाए जाएंगे इस मूवी के, और भी काफी कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड बताने की कोशिश की जाएगी। तो हाँ, आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो यहां पर इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर मुझसे पूछे, वो सारे के सारे यहां पर क्लियर किए जाएंगे। जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहां पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई, एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा, और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस मूवी की, कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की है, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे IMDb रेटिंग की, कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें, कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें तो 5.4 out of 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग है, जो कि हाँ एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी IMDb रेटिंग है, एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को गूगल के यूजर्स की जानिब से ये जो परसेंटेज देखने को मिलती है वो कितनी है। तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर 63% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है, एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर किस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर SRK देखने को मिलेंगे, मीन्स शाहरुख खान देखने को मिल जाएंगे, जूही चावला देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को विवेक मिश्रान, पंकज कपूर, पुनीत इसार, तीनू आनंद, देवेन वर्मा, गुलशन ग्रोवर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर इस मूवी में 4 चांद लगाए हैं, एंड आप लोगों को ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है, एंड आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी जो है वो देखनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाने देती। आप लोग इसे एक चांस दीजिएगा, और लिटरली ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी की गई है। बाकी उसी के साथ हम आगे बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, और उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जेनर क्या देखने को मिलता है, इन चीजों पर हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जेनर की, इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को जो है वो एक्शन के साथ थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है, एंड आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा।
उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो हाँ इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा लेंदी तो नहीं रखी गई, बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इस मूवी की। यहाँ पर आप लोगों को जो है वो तकरीबन आप लोगों को 2 घंटे के राउंड अबाउट या उससे भी कम इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। एंड इस टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा। आप लोग डेफिनेटली एक चांस दीजिएगा क्योंकि आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाने देगा। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलती है एंड यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्शन को किसने संभाला ये बता देता हूँ। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर राजीव मेहरा ने संभाला एंड ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है जो कि नेटफ्लिक्स पर अभी अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे। वेल तो जी ऐसा कि हमें 90s से स्टार्ट हुए थे हमें एंटरटेन करना, हमें अच्छी अच्छी मूवीज़ देना, हमें अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन बताना। 90s के एरा से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, अपना करियर स्टार्ट किया एंड आज तक वो हमें इसी तरह से बताते आ रहे हैं, दिखाते आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ हमें एंजॉय करवाते आ रहे हैं। तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली होने वाली है जी 90s लवर के लिए। अगर आप लोग भी 90s के लवर हैं, आप लोगों को 90s के एरा से आई हुई कुछ मूवीज़ पसंद हैं, तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। और अगर आप स्पेशली SRK के भी फ़ैन हैं, शाहरुख खान के फ़ैन हैं, तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए। आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी बताने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी 1995 में रिलीज हो चुकी राम जाने के बारे में, जो कि SRK की एक मोस्ट पॉपुलर मूवी भी कहलाई जाती है। DDLJ, राम जाने, ये सारी मूवीज आप लोगों को उनकी मोस्ट पॉपुलर मूवीज में काउंट की जाती हैं। तो यहाँ पर हम राम जाने के बारे में डिस्कशन करेंगे, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किया जाएंगे, उसी के साथ आप लोगों को और भी डिटेल्स दी जाएंगी, इस मूवी के रिलेटेड रिव्यू बताया जाएगा, फैक्ट्स दिखाए जाएंगे इस मूवी के, और भी काफी कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड बताने की कोशिश की जाएगी। तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो अंदर क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो यहां पर इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर मुझसे पूछे वो सारे के सारे यहां पर क्लियर किए जाएंगे। जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहां पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस मूवी की कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की है, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे IMDb रेटिंग की कि इस मूवी की IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की जो है वो IMDb रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की IMDb रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम IMDb रेटिंग की बात करें तो 5.4 out of 10 इस मूवी की IMDb रेटिंग है, जो कि हाँ एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी IMDb रेटिंग है एंड इसी IMDb रेटिंग के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को गूगल के यूजर्स की जानिब से ये जो परसेंटेज देखने को मिलती है वो कितनी है। तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर 63% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा।
उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर SRK देखने को मिलेंगे, मीन्स शाहरुख खान देखने को मिल जाएंगे, जूही चावला देखने को मिलेंगी, उसी के साथ साथ आप लोगों को विवेक मिश्रान, पंकज कपूर, पुनीत इसार, तीनू आनंद, देवेन वर्मा, गुलशन ग्रोवर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर इस मूवी में 4 चांद लगाए हैं एंड आप लोगों को ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है। एंड आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी जो है वो देखनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाने देती, आप लोग इसे एक चांस दीजिएगा और लिटरली ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी की गई है। बाकी उसी के साथ हम आगे बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है, और उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जेनर क्या देखने को मिलता है, इन चीजों पर हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जेनर की, इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को जो है वो एक्शन के साथ थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो जाया नहीं जाएगा। उसी के साथ हम आगे बढ़ें एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो हाँ इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा लेंथी तो नहीं रखी गई, बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इस मूवी की। यहाँ पर आप लोगों को जो है वो तकरीबन आप लोगों को 2 घंटे के राउंड अबाउट या उससे भी कम इस मूवी टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। एंड इस टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए, आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो जाया नहीं जाएगा, आप लोग डेफिनेटली एक चांस दीजिएगा क्योंकि आप लोगों का चांस जाया नहीं जाने देगा। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहां पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहां पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलती है एंड यहां पर आप लोगों को डायरेक्शन को किसने संभाला ये बता देता हूं। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहां पर राजीव मेहरा ने संभाला एंड ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है, जो कि नेटफ्लिक्स पर अभी अवेलेबल कर दी गई है, आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे। वेल तो जी SRK हमें 90s से स्टार्ट हुए थे हमें एंटरटेन करना, हमें अच्छी अच्छी मूवीज़ देना, हमें अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन बताना। 90s के एरा से उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, अपना करियर स्टार्ट किया एंड आज तक वो हमें इसी तरह से बताते आ रहे हैं, दिखाते आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कंसेप्ट के साथ हमें एंजॉय करवाते आ रहे हैं। तो आज की ये जो वीडियो है वो स्पेशली होने वाली है जी 90s लवर के लिए। अगर आप लोग भी 90s के लवर हैं, आप लोगों को 90s के एरा से आई हुई कुछ मूवीज़ पसंद हैं, तो हाँ ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। और अगर आप स्पेशली SRK के भी फ़ैन हैं, शाहरुख खान के फ़ैन हैं, तो आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को देखना चाहिए। आप लोग इस वीडियो के साथ बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं जो मूवी बताने वाला हूँ वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर बहुत ही प्यारी मूवी 1995 में रिलीज़ हो चुकी राम जाने के बारे में, जो कि SRK की एक मोस्ट पॉपुलर मूवी भी कहलाई जाती है। DDLJ, राम जाने, ये सारी मूवीज आप लोगों को उनकी मोस्ट पॉपुलर मूवीज में काउंट की जाती हैं। तो यहाँ पर हम राम जाने के बारे में डिस्कशन करेंगे, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस भी क्लियर किया जाएंगे, उसी के साथ आप लोगों को और भी डिटेल्स दी जाएंगी, इस मूवी के रिलेटेड रिव्यू बताया जाएगा, फैक्ट्स दिखाए जाएंगे इस मूवी के, और भी काफी कुछ आप लोगों को इस मूवी के रिलेटेड बताने की कोशिश की जाएगी। तो हाँ आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो अंदर, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो यहां पर इस मूवी के अंदर जो है वो आप लोगों के सारे जितने भी क्वेश्चंस थे आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर मुझसे पूछे, वो सारे के सारे यहां पर क्लियर किए जाएंगे। जस्ट लाइक आप लोगों के क्वेश्चंस थे कि ये किस तरह की मूवी बनाई गई, कहां पर रिलीज की गई, किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं, तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन तमाम सवाल के जवाब आप
आप लोगों को आज की इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें, उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं इस मूवी की कि ये मूवी जो है वो बेसिकली किस तरह की है, जो भी आप लोगों के क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे आईएमडीबी रेटिंग की कि इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें कि इस मूवी की जो है वो आईएमडीबी रेटिंग जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग रखी गई है। तो इस मूवी की अगर हम आईएमडीबी रेटिंग की बात करें तो 5.4 आउट ऑफ 10 इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग है, जो कि हाँ एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी आईएमडीबी रेटिंग है। एंड इसी आईएमडीबी रेटिंग के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को गूगल के यूजर्स की जानिब से ये जो परसेंटेज देखने को मिलती है वो कितनी है। तो इस मूवी को गूगल के यूजर्स की जानिब से यहाँ पर 63% तक लाइक किया गया, जो कि काफ़ी अच्छी खासी परसेंटेज है। एंड इसी परसेंटेज के चलते आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा। उसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि कास्टिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर एक मूवी के लिए। तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में आप लोगों को काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स देखने को मिल जाएंगे। जस्ट लाइक आप लोगों को यहाँ पर SRK देखने को मिलेंगे, मीन्स शाहरुख खान देखने को मिल जाएंगे, जूही चावला देखने को मिलेंगी। उसी के साथ साथ आप लोगों को विवेक मिश्रान, पंकज कपूर, पुनीत इसार, तीनू आनंद, देवेन वर्मा, गुलशन ग्रोवर और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स, बहुत सारे लेजेंडरी एक्टर्स आप लोगों को इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिलेंगे, जिन्होंने अपना अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर इस मूवी में 4 चांद लगाए हैं। एंड आप लोगों को ये मूवी जो है वो प्रेजेंट की है एंड आप लोगों को डेफिनेटली ये मूवी जो है वो देखनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाने देती। आप लोग इसे एक चांस दीजिएगा और लिटरली ये काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट भी की गई है। बाकी उसी के साथ हम आगे बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी रखी गई है। और उसी के साथ आप लोगों को यहाँ पर जो है वो सारी की सारी जेनर क्या देखने को मिलता है, इन चीजों पर हम यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो अगर हम सबसे पहले बात करें जेनर की, इस मूवी का जेनर क्या है, हमें इस मूवी में बेसिकली देखने को मिलेगा क्या, एक्शन होगा, ड्रामा होगा, रोमांस होगा, क्या होगा, क्या इस मूवी के अंदर हमें इस मूवी में क्या देखने को मिलेगा। तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को जो है वो एक्शन के साथ थ्रिल देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। एंड आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा। उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन कितनी देखने को मिलती है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है या बस एवरेज सी और डिसेंट सी इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। तो इस मूवी की अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन जो है वो कितनी है, क्या ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो हाँ इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन कुछ ज़्यादा लेंथी तो नहीं रखी गई, बहुत ही डिसेंट सी टाइम ड्यूरेशन रखी गई है इस मूवी की। यहाँ पर आप लोगों को जो है वो तकरीबन आप लोगों को 2 घंटे के राउंड अबाउट या उससे भी कम इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत ही एवरेज सी और डिसेंट सी मूवी की टाइम ड्यूरेशन है। एंड इस टाइम ड्यूरेशन के चलते मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को एक चांस देना चाहिए। आप लोग एक चांस देंगे तो होपफुली आप लोगों का ये जो चांस है वो ज़ाया नहीं जाएगा। आप लोग डेफिनेटली एक चांस दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाने देगा। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पर कि इस मूवी की जो है वो सारी की सारी यहाँ पर आप लोगों को लैंग्वेज कौन सी देखने को मिलती है एंड यहाँ पर आप लोगों को डायरेक्शन को किसने संभाला ये बता देता हूँ। तो इस मूवी की डायरेक्शन को यहाँ पर राजीव मेहरा ने संभाला एंड ये प्योर हिंदी जुबान की मूवी है, जो कि नेटफ्लिक्स पर अभी अवेलेबल कर दी गई है। आप लोग डेफिनेटली इस मूवी को एक चांस दे